मैग्नेट एक्चुअली इनिशियली एक नाम दिया गया था, एक स्टोन को, एक पत्थर को दिया गया था नाम, वो पत्थर जो मैग्नीशिया नाम की जगह पर मिलता है, उस पत्थर में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी थी। एक प्रॉपर्टी ये थी कि वो लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, दूसरी प्रॉपर्टी थी कि अगर उसे फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए तो वो हमेशा एक पर्टिकुलर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आकर रुकता था। उसे नाम दिया गया मैग्नेट। और फिर बाद में पता चला कि मैग्नेट मैग्नेट नहीं है, इसको एक्चुअली बोला जाना चाहिए मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि इसके दो अपोजिट एंड है, दो अपोजिट सिरे हैं इसके, दैट्स व्हाई इट शुड बी नेम मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, लिखिए हेडिंग मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेट, मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेट। एनी ऑब्जेक्ट दैट एग्जिबिट, एनी ऑब्जेक्ट दैट एग्जिबिट अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स एंड शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इज अ मैग्नेटिक डायपोल। नेक्स्ट एंड डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेट। नंबर वन प्रॉपर्टी है मैग्नेट अट्रैक्ट, नंबर वन प्रॉपर्टी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी लिखिए साहब, मैग्नेटिक नंबर वन अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, मैग्नेट अट्रैक्ट इस स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, या स्मॉल पीसेज में लिखो, मुझे कोई की बात है, चाहे बड़ा पे हो छोटा हो अट्रैक्ट करेगा। मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन, निकिल, कोबाल्ट एंड अदर सच मैग्नेटिक मटेरियल्स। बहुत पहले ही क्वेश्चन आया था एग्जाम में, बोर्ड में आने से पहले वो क्वेश्चन कंपटीशन में आया। और इस टाइम एक ट्रेंड ये चल रहा है आजकल, अब ये ट्रेंड चल रहा है पिछले 4-5 साल से, कि जो 8-10 साल पहले कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे, वो अब बोर्ड में अपियर होने लगे हैं। पिछले 3-4 साल से, 5 साल से ये ट्रेंड चल रहा है आजकल। कंपटीशन के जो इजी क्वेश्चन होते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चैप्टर यूज होता है, एक ही कंसेप्ट यूज होता है, वो क्वेश्चन जो 5-7-10 साल पहले आए हैं कंपटीशन में, वो बोर्ड में आने लगे हैं। कुछ क्वेश्चन एज इट इज, कुछ थोड़े से सिंप्लीफाई करके, मॉडिफाई करके। तो एक क्वेश्चन आया कि आपको दो मैग्नेटिक डायपोल्स गिवन है, दो मैग्नेटिक डायपोल्स गिवन है, सॉरी, दो आपके सामने हाथ में दो आयरन रॉड्स हैं, दो आयरन रॉड्स हैं, इसमें से एक मैग्नेटिक डायपोल है और दूसरी मैग्नेटिक डायपोल नहीं है, नॉन मतलब सीधा लोहे की छड़ है, देखने में दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, किसी के ऊपर कोई मार्क नहीं, कोई निशान नहीं, कैसे पहचानेंगे कि इसमें से कौन सी बार है और कौन सी मैग्नेट है। सस्पेंड नहीं करना है, किसी भी तीसरे ऑब्जेक्ट की मदद नहीं लेनी, केवल इन्हीं के आपस में एक दूसरे के इंटरेक्शन से आपको पता लगाना है। देखो, अगर आपने ये मैग्नेट आपके हाथ में और लोहे का टुकड़ा इसके पास लाए तो अट्रैक्ट हो जाएगा, अगर लोहे का टुकड़ा आपके हाथ में मैग्नेट आप पास लाए तो भी अट्रैक्ट हो जाएगा। नहीं पता लग सकता कि इनमें से कौन सा मैग्नेट है और कौन सा सिंपल आयरन बार है। यह है कोई तरीका? है, एक तरीका है। क्या तरीका है? कि जो अट्रैक्शन होता है, किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल का अट्रैक्शन, वो यूनिफॉर्म नहीं होता। ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल है, तो जो इसके पोल्स हैं यहां मैक्सिमम अट्रैक्शन शो करता है, पोल्स पर, दोनों तरफ पोल्स पर मैक्सिमम अट्रैक्शन शो करता है, और जो इसका मिड पॉइंट है यहां आपका अट्रैक्शन होता है मिनिमम अट्रैक्शन। ये मिनिमम अट्रैक्शन यहाँ होता है। तो अब आपने करना क्या है, अब आपने करना क्या है कि
कि जो दो आइडेंटिकल आयरन बार्स आपके पास हैं उन्हें रख दीजिए, एक आयरन बार को रखिए और दूसरी आयरन बार को इसके जगह जगह ऐसे पूरी लेंथ पर टच करके देखिए। अगर आपको लगे कि किनारों पर मैक्सिमम अट्रैक्शन है और यहाँ अट्रैक्शन जीरो ही हो जाता है बीच में आकर के, तो फिर ये रखा हुआ मैग्नेट है और आपके हाथ में बार है। अगर आपको ऐसा लगे कि ऑब्जर्वेशन आपका है कि हर जगह एक जैसा यूनिफॉर्म अट्रैक्शन है, तो इसका मतलब ये आपने मैग्नेट हाथ में पकड़ा हुआ है जिसका एक पोल से आप अट्रैक्ट करा रहे हैं और जो दूसरा पीस है रखा हुआ ये क्या है, आयरन है। ठीक है, अगर आपके हाथ में मैग्नेट नहीं है, आयरन पीस है और ये मैग्नेट आपने रखा हुआ है, तो किनारों पर मैक्सिमम अट्रैक्ट करेगा इस आयरन को और बीचों बीच सेंटर पर जीरो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये लिख लीजिए बात इसको, क्या दिस अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट द एंड्स कॉल्ड पोल्स एंड मिनिमम एट द सेंटर। द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन पोल्स इज कॉल्ड डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ, पोल्स आर स्लाइटली इनसाइड द एंड्स एंड हेंस मैग्नेटिक डाइपोल लेंथ इज एंड हेंस मैग्नेटिक डाइपोल लेंथ इज स्लाइटली लेस देन द ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ मैग्नेट। यहां जो मैग्नेटिक डाइपोल है आपका, इसमें दो पोल है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल थोड़ा सा अंदर होता है, साउथ पोल भी थोड़ा सा, सॉरी साउथ पोल थोड़ा सा इसके किनारे से अंदर की तरफ है। और यहाँ इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है एज यूजुअल इसे हम क्या लेंगे, 12 डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ 12 क्या लिया जाएगा, 12 है डाइपोल लेंथ और एक किनारे से दूसरे किनारे तक इसे मैं लिख दूं कैपिटल एल। कैपिटल क्या है, ज्योमेट्रिकल लेंथ। एल्स पूरी की ज्योमेट्रिकल लेंथ है, जो डाइपोल लेंथ हमेशा छोटी होती है ज्योमेट्रिकल लेंथ से। ये कितना अंदर होंगे ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उस वो फिलहाल हमारे स्कोप के बाहर है। ठीक है, बना लीजिए इसे। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी से क्या मतलब है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी से मतलब है कि अगर आपने मैग्नेट को इसके सेंटर से सस्पेंड कर दिया फ्रीली, सेंटर से सस्पेंड करने का मीनिंग ना इधर ज्यादा है ना इधर कम है, बीचों बीच सेंटर से आपने लिया और धागे से सस्पेंड कर दिया और छोड़ दिया फ्री है ये टू रोटेट इन एनी प्लेन। ऐसे भी रोटेट कर सकता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में भी कर सकता है, फिलहाल हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की बात ले दें। इट इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये रोटेट करने के लिए फ्री है, तब ये हमेशा कहाँ रुकेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आकर के रुकेगा हमेशा। इसका जो सिरा जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है, दिस एंड इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग पोल, नॉर्थ को ढूंढने वाला सिरा। नॉर्मल में नॉर्थ पोल, जो साउथ की तरफ है, जो साउथ की तरफ आकर रुक रहा है, साउथ सीकिंग पोल, जो साउथ को ढूंढ रहा है, सीक मतलब ढूंढना और नॉर्मल क्या बोल देते हैं इसे, साउथ पोल होते हैं। लिखिए नंबर टू प्रॉपर्टी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। व्हेन अ डायपोल मैग्नेटिक डायपोल इज सस्पेंडेड फ्रीली सच दैट इट इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट कम्स टू रेस्ट अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। द एंड विच रिमेन टूवर्ड्स नॉर्थ, द एंड विच रिमेन टूवर्ड्स
ज्योग्राफिकल नॉर्थ लिखो वर्ड पूरा है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग पोल और नॉर्थ पोल, द अदर पोल विच रिमेन टूवर्ड्स ज्योग्राफिकल साउथ, साउथ सीकिंग पोल और साउथ पोल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने एक और डाइपोल पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो कैसे बनता है? दो पॉइंट चार्ज है, अपोजिट है, इक्वल है, दोनों को आपने एक सर्टेन डिस्टेंस पर जबरदस्ती मेंटेन करके रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल बनाने वाले दोनों कंस्टिट्यूएंट, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, अपने आप में अलग अलग एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये हो सकता है पॉजिटिवली चार्ज हो, ये हो सकता है निगेटिवली चार्ज हो, अलग अलग निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिक मोनोपोल कभी भी पॉसिबल नहीं है। मतलब ये कि अगर आप चाहें कि एक मैग्नेट में से काट के आधा साउथ पोल अलग कर लें और नॉर्थ पोल अलग कर लें, पॉसिबल नहीं है। अगर आपने एक मैग्नेट के दो टुकड़े कर दिए, तो ये दोनों ही टुकड़े अपने आप में कंप्लीट मैग्नेट होंगे, दोनों में ही अपने अपने नॉर्थ पोल होंगे, अपने अपने साउथ पोल होंगे। इवन ये कि अगर आप इन्हें तोड़ते तोड़ते एटॉमिक लेवल तक भी तोड़ दें, एक एक एटम भी अलग कर दें, तो भी हर एटम का अपना एक नॉर्थ पोल और अपना एक साउथ पोल है। मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते, हमेशा डाइपोल ही होता है। ट्राइपोल तो पॉसिबल है, ट्राइपोल पॉसिबल है कि एक नॉर्थ पोल हो, दो साउथ पोल है, या दो साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, या बहुत सारे साउथ पोल हैं और बहुत सारे नॉर्थ पोल हैं, ऐसा तो पॉसिबल है, लेकिन अकेला साउथ पोल या अकेला नॉर्थ पोल कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लिखते हैं इसे बात को। मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर ऑफ पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इफ अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस, ईच पीस हैज इट्स ओन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल।